So today session is very special, as she mentioned it, you know. I don't know, I don't have words to say anything. It's really overwhelming. और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. सो विल स्टार्ट अवर सेशन विद द नेम ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला. एंड वी आर सो थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला इस तरह हमको एक कोशिश हमारी मुकम्मल हुई. हमेशा यू नो व्हेन वी ट्राई इट अल्लाह विल मेक इट पॉसिबल, यू नो. So alhamdulillah, this is today's session. We will do it for hour and a half. और फिर कल का हमारा session दोपहर में रहेगा. वो in person है ISG में. Please do join us there for sisters only in the basement. And now we'll start our session. It's going to be for hour and a half. That because our session is special today. तो आज के जो session में अब सूरह इखलास करते हैं. Let's begin our session. نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سوره الاخلاص اخلاص means sincerity خلوص جو بولتے اخلاص sincerity and this surah it's completely the presentation of the tawheed अल्लाह की जो वहदानियत है तौहीद है उस पे है. और जो कुल कहा जा रहा है वेन एवर इट इज़ मेंशन अबाउट कुल इट मींस एड्रेसिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हियर अल्लाह इज़ वन द प्रोनाउन हैज़ बीन यूज कुल हु अल्लाह हु अहद एंड अल्लाह इज़ ओनली वन एंड अल्लाह इज़ द क्रिएटर. Right from the beginning, from Suratul Fatiha, we have been saying these words, three words, खालिक मालिक मुदब्बिर. आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब सिस्टर्स को अभी तक ये बात अच्छी तरह जहन नशीन हो गई होंगी, अच्छी तरह इनग्रेव हो गई होंगी माइंड में कि जब हम खालिक की बात करते हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की बात करते हैं. और सूरतुल इखलास दिस इज़ द मक्की सूरा एंड द लास्ट थ्री सूराज आर मोर रिसाइटेड एंड दिस सूरा इज़ लाइक वन थर्ड ऑफ द कुरान. इट डजेंट मीन कि रोज़ जो नाज़िर कुरान पढ़े उनका रिवॉर्ड अपनी जगह है, लेकिन ये वन थर्ड ऑफ इट. एंड सहाबा इकराम दे वुड आस्क प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही सेड दिस इज़ लाइक यू वुड गेट दैट रिवॉर्ड. कैन एनीवन रिसाइट वन थर्ड ऑफ द कुरान? इफ़ यू लुक एट दैट इट वुड बी लाइक 200 पेजेस इन मुसहफ. तो इतना रिवॉर्ड है. और ये सूरा अगर आप 10 टाइम्स पढ़ लिए, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन, यू गेट द रिवॉर्ड. एंड दिस इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन. यू रिसाइट इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग, दैट्स द एंट्री फॉर द जन्ना. एंड आफ्टर एवरी फर्द प्रेयर आप ये थ्री टाइम रिसाइट करना है. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू रिसाइट द लास्ट थ्री सूरास थ्री टाइम्स रिसाइट करते थे, ब्लो करते थे. और जिस तरह जैसे कि कोई चीज़ हम अपने चेहरे पर या हाथों पर लगाए तो कैसा करते, वैसा. दिस इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन. नाउ वी डिस्कवर दैट साइंटिफिकली वॉट एवर द सलाइवा इन अवर माउथ, वो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रहते. और ये रेसिटेशन ऑफ द कुरान है, तो उससे क्या हो रहा, पूरा अल्लाह का कलाम है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन में आ जा रहे हैं. सो एज आई मेंशन दिस इज अ मक्की सूरा एंड यू नो द पीपल ऑफ मक्का दे वुड बिलीव इन द आइडल वर्शिप. सो इमाम अहमद रिकॉर्डेड फ्रॉम उबै बिन काब, आइडल्टर्स क्या कर रहे थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते थे कि आपका अल्लाह सुभान अल्लाह ताला का क्या लीनियज है. सो दिस सूरा हैज़ बिन रिवील्ड एंड अल्लाह हैज़ मेंशन अल्लाह इज़ ओनली वन. कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाह इज़ ओनली वन. अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद. ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह का कोई स्पाउस है, कोई नहीं. देर इज़ नो कंपेरेबल टू अल्लाह सुभान अल्लाह ताला एंड देर इज़ नो सिमिलैरिटी टू इट. एंड समद इज़ वन हु डज नॉट गिव बर्थ नॉर ही वॉज बॉर्न, मतलब ना कोई किसी को पैदा करे या पैदा हो. तो अल्लाह इज़ ओनली वन एंड नथिंग दैट इज़ एक्सेप्ट दैट अल्लाह इज़ हय्युल क़य्यूम. एंड वी हैव लर्न दिस इन सूरतुल बकरा दैट द ग्रेटेस्ट आया ऑफ द कुरान इज़ आयतुल कुर्सी, हय्युल क़य्यूम. एंड लाइक एक्सेप्ट विद द यू नो परमिशन ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला नथिंग हैपन्स, राइट. एंड दिस इज़ द थिंग एंड अल्लाह इज़ हय्युल क़य्यूम एंड that is mentioned in the different surahs and how the Allah subhanahu wa ta'ala's creation would be, he is the creator.
और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो वर्च्यूज़ है कि किस तरह ये पढ़ने से कितनी ज़्यादा अहमियत है, और बताया गया है कि अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की जो वहदानियत है, अल्लाह को एक मानना। एक सहाबा इकराम थे जो ही वुड रिसाइट मोस्टली दिस सूरा इन हिज सला, and why he was reciting it because he loved the surah, and not only that he would be rewarded. aur unko kyun ye surah pasand tha, kyunki ye tauheed ke upar baat thi, allah ki ek hone ke upar baat thi. to hum bhi agar ye surah love kar rahe hain, usko recite kar rahe hain, to hamare liye bhi wo rewardable hai. but sometimes it happens like you know people thinking ki acha you know itna chota surah, it's not a chota surah, it's like a so much reward in it. And not only that, as I mentioned, like this has so much benefits in it. Subah sham ki duaon mein aap dekhiye, har usme ye surah recite karte. Not only this, falak aur naz bhi. And when you see the, you know, the other tafasir, because I'm not going to touch the falak and naz, I'm just going to concentrate on just the suratul ikhlas. तो यहाँ पर क्या वननेस, क्या इखलास की बात हो रही, क्या खुलूस की बात हो रही, कि अल्लाह की वाहदानियत की बात हो रही, अल्लाह की एक की बात हो रही. और फिर जो एक इंसान को अल्लाह से मोहब्बत है तो वो क्या चाहता, अल्लाह के बारे में सीखे और मालूम करे. तौहीद क्या है, वननेस ऑफ अल्लाह, जस्ट सेइंग दैट, जस्ट रिसाइटिंग इट, दैट्स इट, नो, यू शुड एक्चुअली बिलीव इन इट, एंड यू स्पेंड द लाइफ द वे अल्लाह सुभान अल्लाह ताला वांट ऑल ऑफ अस टू बी. तो उस तरह से हमारे तर्ज ज़िंदगी वैसी होनी चाहिए. सो लेट्स डू द मीनिंग फॉर दिस. कुल हु अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, और अल्लाह के साथ कोई नहीं है, अहद, और अल्लाह समद, और वो अल्लाह एक है और वो माबूद बरहक है. लम यलिद वलम यूलद, तो अब यहाँ वो माबूद बरहक बेनियाज है, मतलब अल्लाह सुभान अल्लाह ताला सेल्फ सफिशिएंट है. वी आर यू नो डिपेंडेंट, लाइक इफ वी कॉल आवर सेल्फ फुखरा फ़कीर, यस वी आर, एंड अल्लाह इज़ बेनियाज, अल्लाह सेल्फ सफिशिएंट है. लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी के बाप है और ना वो किसी का बेटा है, मतलब ना वो कोई एक ऐसा रिश्ता नहीं है. रिश्ते क्या करते हैं, हमको कमज़ोर बना देते, राइट. सो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला उससे आगे है इस कमज़ोरी से. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है. देयर इज नो इक्वलेंट टू अल्लाह सुभान अल्लाह ताला. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मुस्लिम एंड अ डिसबिलीवर, लाइक यू नो इफ यू सी अदर रिलीजन, दे विल टॉक अबाउट, कोई बोल रहे कि सन ऑफ गॉड है, कोई बोल रहे कि ट्रिनिटी है, कोई बोल रहे कि सूरज के कोई देवता है, कोई पानी के है, दिस एंड दैट. But what we believe Muslims, this is the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sirf ek hai, uska koi partner nahi hai, koi uski aulaad nahi hai, koi uske baap nahi hai, koi maa nahi hai. Allah is the creator and we all are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is here mentioned about that. So when we go in deeper into it, so this talks about, you know, much about how the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala would be. And whoever recite this surah 10 times, as I mentioned before, like a house in Jannah will be made for him. And Umar radiallahu anhu said ke this way we can get many houses, matlab jannat mein hum bahut sare ghar bana sakte. Is duniya mein hum chahte na ki hamara ghar ban jaye, acche se acha ghar ho, ye ho, to hum aakhirat ka ghar kyun nahi sawarna chahte. To is duniya mein humko sacrifices karna padta, uske liye kuch karna padta. So this surah is about, you know, oneness, tauheed and lineage of Allah subhanahu wa ta'ala. Kya hai, jaise ki introduction mein bata diya gaya hai ki Allah ek hai, Allah eternal hai, aur Allah की कोई ज़रूरत नहीं है. जब इंसान को ज़रूरत रहती, ये क्या है, हमारे अंदर पैटी ऐसे चीज़ें रहते हैं कि हम डिपेंडेंट है. अल्लाह सुभान अल्लाह ताला हय्यूल क़य्यूम है, हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, इस दुनिया में और उस दुनिया में भी वो मालिक है, इस दुनिया के भी और उस दुनिया के भी. और फिर जब हम बता रहे कि अल्लाह के इक्वलेंट कोई भी नहीं है, तो ना अल्लाह से कोई रिजेंबलेंस है. नोबडी कैन से अच्छा डॉक्टर शिफा देने वाला है, और नहीं, अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला शिफा देने वाला है. डॉक्टर तो एक जरिया बन जाता. सो यू कांट कंपेयर अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला विद एनीवन. वो रब्बुल आलमीन है, एब्सोल्यूट है.
And you know, the word perfect, we use it, somehow people use it for the human beings. This word only perfect is used for Allah subhanahu wa ta'ala. Kyunki Allah ki zaat mein perfection hai. इंसानों की ज़ात में क्या है, नक्स है. और फिर और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सारे चीज़ों में यूनिकनेस, वी ऑल वांट यूनिकनेस राइट, बट अल्लाह इज़ ओनली यूनिक, अल्लाह एक है. और हम क्यों इस्लाम में लोग आना चाहते, दीन पे क्यों आना चाहते, तौहीद, क्योंकि दैट इज़ द थिंग दैट इम्प्रेसेस पीपल to come to the Islam, क्योंकि तौहीद, oneness of Allah सुभानहू व तआला उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता. तो अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारना है, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. मेरा जीना, मेरा मरना, मेरे सारे एफर्ट्स किसके लिए होना चाहिए, रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए. जब सूरतुल फातिहा स्टार्ट करे थे कि उसमें बताया गया था सूरतुल फातिहा में कौन है रब्बुल आलमीन, एंड वी लर्न द बुक ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला व्हेन वी स्टार्टेड दिस कुरान तफसीर लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो. एंड नाउ वी आर एंडिंग, द तौहीद की बात हमेशा चलती रही. दे आर डिफरेंट स्टोरीज राइट. अब सूरह इखलास का क्या नाम आया इसमें, इज़ इट नेसेसरी के कुरान में आप देखे होंगे कुछ सूरतें हैं उसके नाम आएंगे, जैसे सूरतुल बकरा है, बकरा का नाम आया, काऊ का नाम आया उसमें, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट एवरी टाइम उनका नाम सूरह का आना ज़रूरी नहीं है. जैसे सूरतुल इखलास है, इखलास क्या है, सिंसियरिटी, और यहाँ पर उसके लिए आया, इखलास के लिए प्योरिटी. सो दिस नेम नॉट नेसेसरी के आए, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते और समझते तो ये एक मौजू है जो तौहीद के बारे में, ज़्यादातर मक्की सूरतें तौहीद के बारे में होंगे, और जो मदनी सूरतें हैं, यू नो, डूज एंड डोंट्स, वी ऑल लर्न दैट राइट. नाउ वी गोना एंड एंड अगेन वी गोना रीस्टार्ट दिस बुक, नेवर एंड्स, नेवर. ये आज हम ये जो है ना तकमील कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग द फिनिशिंग ऑफ इट. It will go on and on till our life is there. जब तक हमारी ज़िंदगी है ये हमारा journey चलता रहेगा. So this was the session about सूरतुल इखलास, तौहीद पे, और आगे हम देखते हैं कि कुरान में different stories भी रहेंगे prophets पे, और दूसरी बात क्या रहेंगी कि किस तरह अल्लाह ताला एक different examples से समझाएंगे, और तौहीद की बात throughout बात होगी. So I'll end my session because every sister has their session for 15 minutes. So my time ends here. Jazakallah khairin kaseera. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta.